आसफ अली चस करा देती मुंडिया, क्या कहने तुम्हारे। टी लीग के फाइनल में क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई तुमने। तने तनहा ही अपनी टीम न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स को फाइनल जितवा दिया, चैंपियन बनवा दिया T10 लीग 2023 का। फाइनल में 92 रन का टारगेट मिला था न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स को, मगर सिर्फ 7 रन पर दोनों ओपनर्स आउट होकर चलते बने। ऐसे में एंट्री मारी हमारे टाइगर आसफ अली ने। इस मुश्किल तरीन सिचुएशन में भी आओ देखा ना ताओ और हिटिंग शुरू कर दी। दे मारते 4.5 का फार्मूला अपनाया, दगन ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स पर ऐसा लाठी चार्ज किया कि तौबा तौबा, 4 छक्के दागे और 2 चौके जड़े, और फिर 192 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ और सिर्फ 25 बॉल्स पर 48 रन बना डाले और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स को T10 लीग के चैंपियन का एजाज बख्श दिया। यकीन करें आसफ अली की ये यादगार बैटिंग परफॉर्मेंस एक तरफ और पूरी T10 लीग एक तरफ, इसीलिए तो हर तरफ बस आसफ ही सुनने को मिल रहा है। रहे न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के ही एक और पाकिस्तानी सुपरस्टार मोहम्मद आमिर, तो उन्होंने भी कमाल कर दिया इस लीग में। अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में पूरा पूरा हिस्सा डाला इस अजीम फास्ट बॉलर ने। टीम अबुधाबी के खिलाफ हमारे इस चीते ने 2 ओवर्स में से 1 मैडन करा के सिर्फ 7 रन देकर 4 खिलाड़ियों को मैदान से दफा दूर किया था। मतलब T10 जैसी मार धाड़ वाली क्रिकेट में भी सिर्फ 3.5 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कराई थी आमिर भाई ने इस मैच में, मगर फाइनल में इमाद वसीम ठुस हो गए। वही इमाद वसीम जिन्होंने इन्हीं लीग्स की खातिर टीम पाकिस्तान खेलने की ऑफर ठुकरा दी थी। लीग स्पेशलिस्ट कहलाने वाले इमाद वसीम फाइनल में कोई चमत्कार ना दिखा सके जनाब, 5 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन ही बना सके। दक्कन ग्लैडिएटर्स के बड़ा स्कोर ना करने की एक वजह ये भी थी। रही बॉलिंग, तो पहले ओवर में ही 14 रन खा लिए थे इमाद जी ने, इसके बाद इन्हें दूसरा ओवर दिया ही नहीं गया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इमाद, आमर और आसफ अली PSL 9 में भी जादू दिखा पाएंगे या नहीं। T10 लीग में इन तीनों पाकिस्तानी सुपरस्टार की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, इनकी फिटनेस कैसी है और क्या इन तीनों के कौमी टीम में वापसी के इम्कान है या नहीं, ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर उससे पहले फेसबुक व्यूवर्स हमारा पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब व्यूवर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, आसफ अली हैं फैसलाबाद के और फैसलाबाद भी मशहूर है अपनी हिस्से मजाक और जुक्तबाजी के लिए। यही वजह है कि आसफ अली ने मजाक में ही ले लिया था T10 लीग के फाइनल को। इनके बल्ले ने शॉट्स नहीं बल्कि जुगतों के अंबार लगा दिए। खैर, ये तो था मजाक, मगर इस पूरी लीग में आसफ मियां की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो 7 इनिंग में 3 बार नॉट आउट रहे, 32.5 की एवरेज और 165 के स्ट्राइक रेट से 130 रन अपने नाम किए, जबकि मिस्टर डिपेंडेबल मोहम्मद आमिर ने 8 इनिंग्स में 110 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। इनका इकोनॉमी रेट रहा 7.85, जबकि बेस्ट परफॉर्मेंस थी 7 रन देकर 4 विकेटें लेना। रहे इमाद वसीम, तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं रही। इमाद ने 130 रन देकर 5 शिकार किए, 11 रन देकर 2 विकेट इनकी बेहतरीन कारकर्दगी थी। बैटिंग में वो 12.5 की एवरेज से सिर्फ 50 रन ही बना सके, स्ट्राइक रेट था 156 और हाईएस्ट स्कोर 32। खैर, ये तीनों सुपरस्टार्स ही मुकम्मल तौर पर फिट भी हैं और फॉर्म में भी हैं, इसलिए PSL 9 में जरूर यादगार कारकर्दगी दिखाएंगे। रही बात इनकी टीम में वापसी की, तो अगर PSL 9 में इन्होंने कोई करिश्मा दिखाया तो तीनों ही टीम पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, मतलब इमाद भी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आप T10 लीग में आमिर, इमाद और आसफ अली की परफॉर्मेंस से मुतमईन है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।